ईयरबड्स एक छोटे स्पीकर का पेयर होता है जिसे हम अपने कानों में पहनते हैं और इसकी वजह से हम फोन कॉल्स और म्यूजिक क्लियरली सुन पाते हैं। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि ईयरबड्स पर लाउड म्यूजिक सुनने से आप अपने सुनने की क्षमता यानी सेंस ऑफ हियरिंग खो सकते हैं? लेकिन कैसे? चलिए देख लेते हैं कि ये ईयरबड्स कैसे हमारे ईयर्स को डैमेज करते हैं। हमारा कान तीन पार्ट से मिलकर बना होता है जो कि मिलकर काम करता है और साउंड वेव्स को प्रोसेस करता है। ये तीन पार्ट्स आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर है। अब ये जो इनर ईयर है, जिसे हम कोकिला भी कहते हैं, ये एक फ्लूट फिल्ड स्ट्रक्चर है और इसमें टाइनी हेयर सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये हेयर सेल्स हमारे दिमाग को साउंड मैसेज को सेंड करने में हेल्प करते हैं। देखिए, जब साउंड वेव्स हमारे कान में एंटर करती है तो ये हमारे ईयर ड्रम्स में वाइब्रेशन क्रिएट करती है। ये वाइब्रेशन फिर हमारे मिडिल ईयर में प्रेजेंट टाइनी बोन से होते हुए हमारे कोकिला में ट्रांसमिट हो जाती है। जिससे कि मैंने आपको पहले बताया कि कोकिला एक फ्लूट फिल्ड चैम्बर है जिसमें टाइनी हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये वाइब्रेशन इन फ्लूट और इन छोटे छोटे हेयर सेल्स से पास होते हैं। ये हेयर सेल्स इन वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट करती है जिनको हमारे ब्रेन की तरफ भेजा जाता है और यूं हम सुनते हैं। जब हम हाई वॉल्यूम में किसी साउंड को सुनते हैं तो साउंड वेव्स की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कोकिला में प्रेजेंट हेयर सेल्स तेजी से मूव करने लगते हैं। अगर हम कंटिन्यूसली हाई फ्रिक्वेंसी साउंड को सुनते रहें तो हमारे कोकिला में प्रेजेंट ये टाइनी हेयर सेल्स डैमेज होने लगते हैं, जो कि हियरिंग लॉस का कारण बन सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे कान 70 dBA तक के साउंड वेव्स को सेफली सुन पाते हैं। 60/60 मिनट रूल को अपनाकर हम सेफली हमारे कानों को किसी भी तरह का डैमेज पहुंचाए बगैर ईयरबड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग जब भी आप ईयरबड्स का इस्तेमाल करें तो कोशिश करिए कि वॉल्यूम को 60% तक ही रखें और इसके अलावा ईयरबड्स को कंटिन्यूसली 60 मिनट से ज़्यादा ना सुने। इसके अलावा ईयरबड्स एक और तरीके से हमारे ईयर्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जो ऐसे कि जब हम ईयरबड्स को पहनते हैं तो एयर हमारे कान में एंटर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारा ईयर कैनल नम रहता है, जिससे कि बैक्टीरिया और फंगाई के होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, जो कि हमारे कान में इन्फेक्शन होने का कारण बन सकता है। तो होप सो आज के इस वीडियो से आपको नया कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।